आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो फुटवेयर का जो स्टोर होता है, जो फुटवेयर का शॉप होता है, जहां पे जूता चप्पल की दुकानें होती हैं या जूता चप्पल का शॉप होता है, तो वहां पे आप अपने माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे आप अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे। और जैसे सपोज भाई, आप कोई भी एक परचेज का बिल होता है जो फुटवेयर का, कहीं से आप सामान सप्लायर से खरीदते हैं, उस सप्लायर से खरीदने के बाद आपको एक परचेज का बिल मिलता है। उस बिल में ब्रांड वाइज आप अपनी स्टॉक को कैसे चेक करेंगे, कलर वाइज एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल के अंदर कई मल्टी कलर होते हैं, उस कलर को कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें आप बारकोड को कैसे लगाएंगे, उसमें आप जैसे सपोज भाई कि एक ब्रांड में कई सारे साइज होते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, इस तरीके से आठ, नौ, दस, दस नंबर, ग्यारह नंबर तक किसी किसी में चलता है, उस साइज को कैसे हम सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। और साथ में पूरा स्टॉक जो है हमारा ऑल ओवर का कितने रुपीज का है, तो हम अगर POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में अगर हम देखना चाहते हैं, तो आप माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने स्टॉक को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि जो परचेज होता है आप टू टाइप से होता है, किसी भी सप्लायर से अगर हम सामान को खरीदते हैं, या तो हम कैश में खरीदते हैं या तो फिर हम कार्ड में खरीदते हैं, मतलब कैश में खरीदते हैं या फिर हमारा क्रेडिट के रूप में खरीदते हैं। तो जो हमारा क्रेडिट के रूप में होता है उसको हम बाद में पेमेंट देते हैं, जो हमारा कैश में होता है तुरंत हम पेमेंट देते हैं। तो हम अपने सॉफ्टवेयर माई बिलिंग पैड के फुटवेयर शॉप में कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब आप इसमें आप आसानी से माई बिलिंग पैड के सॉफ्टवेयर में आप आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। और सेल अगर देखा जाए तो सेल भी आपको टू टाइप्स के होता है, पहला जो होता है कैश में, जिसको हम काउंटर सेल बोलते हैं, आया गया, दूसरा क्या होता है कि पार्टी के नाम से सेल होता है, किसी भी कस्टमर के नाम से सेल होता है, ताकि बाद में सेल करने के बाद जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग बच रहा है वो आप आसानी से आप उसका पेमेंट हम रिसीव कर सकें। तो दोस्तों, यह माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप आसानी से अपने सेल, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न और अपने स्टॉक को आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं राहुल कुमार मिश्रा, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका फुटवेयर का जो शॉप होता है, जहाँ पे जो चप्पल और जूते की जो दुकान होता है, उस दुकान में कैसे आप बिलिंग करेंगे और अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे, उसके रिलेटेड है वीडियो है कि आप अपने दुकान पे फुटवेयर के कैसे आप बिल को जनरेट करेंगे और सेल का डे बुक कैसे देखेंगे। उसके साथ में हम लोग देखेंगे उसका स्टॉक भी कि कैसे आप चेक करेंगे। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि आप अपने फुटवेयर के शॉप में कैसे आप बिल जनरेट करेंगे और साथ में आप सेल डे बुक कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट एंट्री की बात है, जो आप प्रोडक्ट का मास्टर होता है, राइट साइड में आप देखते हैं यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आइटम या शॉर्टकट की F1 बटन पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको टोटल प्रोडक्ट की एंट्री होता है, जिसमें आप आसानी से प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम, ब्रांड, साइज जितने भी हैं, वियर, फूडिंग, नॉन फूडिंग, या तो फिर आपका यहाँ पे फुटवेयर का है तो यहाँ पे फुटवेयर का भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आप ओपनिंग स्टॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे POS में बिल बनाते हैं और साथ में हमें देखेंगे उसका स्टॉक कैसे चेक करते हैं और साथ में जो हमने बिल बनाया है उसका आपको सेल डे बुक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बारकोड के माध्यम से हम कैसे अपना बिल बनाएंगे। जैसे 3001 एक बारकोड स्कैन हुआ, सैंडल वाटा 999 करके है,
जैसे 3002 किया तो देखिए स्कैन हो गया, 3003 किया तो 3 का आपका आ गया, और F2 बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो बोलेगा सबसे पहले आप कौन सा सेल्समैन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसका आ जाएगा। और सेटल बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर ये देखिए सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि बाई कैश जो ये बिल बन रहा है, अगर बाई कैश वो कितना दे रहा है या फिर बाई ऑनलाइन पेमेंट वो कितना दे रहा है QR कोड वगैरह से, या तो फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कितना दे रहा है यहाँ पे डाल सकते हैं, बाई रिटर्न कितने का हुआ यहाँ पर राइट आप भी आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज भाई 1199 रुपए का बिल बना तो सामने वाले बंदे ने बोला कि हम 1000 रुपए हमसे कैश ले लो और 199 रुपीस आपको मैं गूगल पे कर देता हूँ, तो यहाँ से आप कस्टम QR कोड के माध्यम से यहाँ से आप पेमेंट करा सकते हैं। ये जो QR कोड दिख रहा है आपका गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, आप कहीं पर भी इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे 7 प्रिंट करते समय आप F12 बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले सेंड व्हाट्सएप है तो नो कर दिया हमने और प्रिंट के लिए यस कर दिया। तो ये आप समझिए इस फुटवेयर के सॉफ्टवेयर में आपका 3 के 3 प्रिंटर सपोर्ट करता है, लेजर भी सपोर्ट करता है, थर्मल भी सपोर्ट करता है और डॉट मैट्रिक्स 3 प्रिंटर आप सपोर्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने A4 साइज का बिल आ गया और इसमें भी QR कोड लगा है। यहाँ पे जैसे हमने क्लोज बटन को प्रेस कर दिया, फिर से एक और बिल बनाते हैं, जैसे 3001 लिया, 3002 लिया और 3003 लिया। F2 बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर आप सेल्समैन लेने के बाद F2 प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे 1199 रुपए का अगर आपका टोटल बिल बन रहा है तो सामने वाले ने 1500 रुपया दिया तो 1500 आप डाल दो। नीचे आप देखेंगे तो चेंज आ जाएगा कि आप उनको इतना वापस करना है, इतना वापस कर दीजिए 301 रुपया। फिर उसके बाद आप इंटर 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 अगर मैं प्रेस करूंगा तो तुरंत आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आपका आ जाएगा। यहाँ पे अभी व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है इसलिए करके वो आ रहा था, और यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ गया यहाँ पर इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर देखना है स्टॉक तो स्टॉक भी देख सकते हैं, तो वाले स्टॉक करेंगे तो आपके सारे स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए इसको एक्सेल में लेना चाहते हैं सारे के सारे स्टॉक को आप यहाँ से आप ले सकते हैं। आपको अगर सेल डे बुक देखना है तो सेल डे बुक में यहाँ पे फ्रॉम टू बटन पे जाके आप व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो सेल डे बुक आ जाता है। ये देखिए यहाँ से आप सेल डे बुक को भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने देखा कि कैसे आप प्रोडक्ट की एंट्री का फॉर्म देखा मास्टर का, इसके बाद आपका POS सेल कैसे करते हैं, POS सेल के बाद हम लोगों ने देखा स्टॉक कैसे चेक करते हैं, और फिर उसके बाद आपका सेल्स डे बुक जो आज के दिन में कैश में कितना आया, कार्ड में कितना आया, बाई रिटर्न कितना हुआ और रिपोर्ट आप हम लोगों ने देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।